हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं हूँ शीतल नेडा, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। तो सबसे पहले तो आप सबके फेस्टिवल्स कैसे गए। हम लोग, मैंने बहुत दिन से वीडियोज़ नहीं डाली हैं क्योंकि फेस्टिवल्स में इतना बिजी थी। ऊपर से फिर मिकी की तबीयत ख़राब हो गई, फिर राशि की तबीयत ख़राब हो गई, ये वायरल और जो डेंगू इतना चलाना तो सबको बहुत परेशान कर दिया। तो मिकी अब बिल्कुल ठीक है, राशि भी बिल्कुल ठीक है। उसको थोड़ा सा वायरल हुआ था, मिकी को डेंगू हो गया था, बट अब दोनों बिल्कुल ठीक हैं और दोनों की तबीयत ठीक है। तो अब हम भाई दूज वगैरह सब सेलिब्रेट करके अपने घर आ गए हैं। तो हमने सोचा कि चलो आज आपके साथ एक वीडियो शेयर की जाए, क्योंकि जो ड्रेसेस मैंने पहनी थी करवा चौथ पर, मेरी और राशि की मोस्टली सेम सेम थी। तो वो ड्रेसेस के लिए मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। वो सूट और साड़ियों की डिटेल्स आप दिखाइए, कैसे बनवाए, क्या किया उनमें। तो आज वो वाली ड्रेसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्योर स्किन ऐप के बारे में, जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो वो जो ऐप है उसमें आपको पहले बताया था कि हम उसमें डायरेक्ट हम डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, लेकिन अब जो है उनका तरीका जो है वो चेंज हो गया है। इसमें अब जो है हम उन्हें कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये रहता है कि चैट तो मतलब कोई किसी से भी आप करें, लेकिन आप जब बात करेंगे डायरेक्ट डॉक्टर से तो आपको पूरा ये हो जाएगा कि हाँ नहीं, आप डॉक्टर से ही बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि दीदी ये क्या चीज़ें हैं, आपने यूज़ करी हैं, क्या अच्छी हैं, जेन्युइन है। जी हाँ, मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं बिना अपने यूज़ करे, मैं मुझे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, पर लेकिन जब तक मैंने खुद यूज़ नहीं की तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। जब मैंने यूज़ कर ली, मुझे दिखा कि थोड़ा सा हाँ रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हुआ, तो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर करी हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे स्किन पर मोस्टली कोई भी चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है। आप सबको मालूम है मेरे फेस पर कितने एक्नेस होते थे, अभी भी थोड़े बहुत हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ठीक है, हल्के हल्के से हैं, बट इतना तो सबकी स्किन पर था। लेकिन आप पहले देखते थे मेरा ये वाला एरिया बिल्कुल जो है पिंपल से बिल्कुल बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते थे, बड़े बड़े रेड रेड रेड, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये कोई मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी चीज़ का प्रमोशन कर रही, मैंने खुद कोई चीज़ यूज़ करी है, मुझे उसका फ़ायदा हुआ है, मुझे अच्छी लगी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं आता, देखिए इतनी जल्दी मुझे भी इफेक्ट नहीं आया और बिल्कुल क्लियर स्किन मेरी भी अभी तक नहीं हुई है, बट हाँ असर मुझे दिखना शुरू हो गया है। एक डेढ़ महीना हुआ है मुझे यूज़ करते हुए, लेकिन देखिए अगर एक ही दिन में कोई चीज़ आपको ठीक कर रही है तो वो जेन्युइन नहीं हो सकती है। धीरे 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 चीज़ें असर करती हैं, ऐसे ही सेम मेरे साथ है। मैं जब से यूज़ करना, पहले दिन तो मुझे ऐसे दो चार दिन मैंने यूज़ किया तो मुझे लगा कि नॉर्मली कुछ ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन वन वीक आफ्टर टेन डेज मुझे थोड़ा 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 रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा ठीक है, तो फिर मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर करी। तो देखिए मेरे स्किन पर आप देख सकते हैं कोई भी आपको ऐसे पिंपल जैसे पहले दिखते थे बड़े वाले नहीं है, हैं छोटे छोटे हैं अभी, लेकिन बहुत मतलब बहुत हद तक मतलब 50-80% मेरी चीज़ें जो हैं ठीक हो चुकी हैं। तो मैं आई होप मैं ये करती हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाएं, तो मैं आगे और मैं उनसे ऑर्डर करूँगी अपने लिए बहुत सारी और भी। जैसे हर मंथ हमारे पास उनका खुद सामने से मैसेज आता है कि आपकी ड्यू है, आपकी अपॉइंटमेंट ड्यू है डॉक्टर के साथ, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, तो मैं कंसल्ट करती हूँ। और जैसे कई बार ऐसे होता है ना, मेरी एक जेल जो मैंने मंगाया था रात को मैं लगाती थी, तो वो मुझे इतना मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था लगाने के बाद ना उससे मुझे बड़ी इचिंग सी होती थी, तो मैंने उनसे बोला तो उन्होंने उसको देखा, फिर उन्होंने वो चेंज कर दिया। अगर हमें कोई चीज़ ऐसी लगती है ना कि हमने ये चीज़ मंगाई थी और फिर हमें सूट नहीं कर रही है, हम उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, तो वो चीज़ों को जो भी हमें प्रोडक्ट हम देते वो हमें देते हैं, वो उन्हें चेंज करा देते हैं हमारे लिए, दूसरे प्रोडक्ट हमारे लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो ये थी क्योर स्किन के बारे में। अभी मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल। तो सबसे पहले हमने फेस को मॉर्निंग में अपने फेस को वॉश करना है फेस वॉश से, अच्छे से उसे पूरे फेस पे लगा के, ये फॉर्मिंग वाला फेस वॉश है, उसे अच्छे से पूरे फेस पे लगा के अच्छे से पानी से धो लेना है, और बहुत ही फ्रेश लुक है इससे, मतलब वॉश करके बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लगाएंगे सनस्क्रीन लोशन। जैसे कि हम मॉर्निंग में नहा के धो के कोई भी लोशन लगाते हैं तो आप सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं भी जा रहे हैं, ओनली किचन में भी काम कर रहे हैं, तो भी आपको फेस पे सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद दिन में आप किसी भी टाइम फेस वॉश करके आप ये जेल लगा सकते हैं अकॉर्डिंगली। एक दिन नंबर दिए हूँ उसमें मेरी स्किन के अकॉर्डिंग, मैं वैसे ही यूज़ करती हूँ। फिर बारी आती है नाइट में भी हम सेम करते हैं, मेकअप रिमूव करने के बाद जो भी फेस पे लगाया उसे वॉश कर लेते हैं और फिर फेस वॉश से
अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद फिर मेरे को एक नाइट की क्रीम है, ये जेल है जो मुझे सिर्फ ओनली पिंपल्स पर लगाना होता है, इसको अच्छे से पिंपल पर लगा लेते हैं और उसके बाद उन्हें अच्छे से मसाज करनी होती है और मसाज करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं और रात में वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं जिससे हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये है मेरी करवा चौथ वाली ड्रेसेस जिनके बारे में मुझे आपको बताना है और जिनके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि कहाँ से बनवाई हैं, कैसे ली, कैसे इन्हें डिज़ाइन किया। तो आज मैं आपको इन सब ड्रेसेस के बारे में बता देती हूँ। अभी ये जो मैंने करवा चौथ पहनी थी फिर मैंने ड्रेकिंग करके रखी, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी करवा चौथ की ड्रेसेस जो मैंने करवा चौथ पहनी थी। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ साड़ी, जो साड़ी सबको बहुत अच्छी लगी, सब लोग सोच रहे थे कि मैंने ऑनलाइन ली है, तो ऑनलाइन नहीं ली थी, ये मैंने ली थी मई में, एक शादी थी उसके लिए मैंने ली थी। शादी तो कोरोना के टाइम में हो गई तो हम लोग शादी में गए नहीं, तो उस टाइम कोरोना बहुत पीक पे था तो शादी में नहीं जा पाए हम लोग। साड़ी मैंने ले ली थी तो अभी वो यूज़ तो करनी थी, बट वो मैंने गर्मियों में ली थी, वो इतना लाइट कलर मैंने गर्मियों के हिसाब से लिया था, पीच कलर था, और उस टाइम तो ऑर्गेन्जा बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, फैशन में आया था कि ऑर्गेन्जा, अब तो खैर ऑर्गेन्जा बहुत कॉमन हो गया, उस टाइम इतना कॉमन नहीं था, बिल्कुल न्यू फैशन में आया था मई में, तो तब मैंने ये ली थी अपने लिए। और इसका सारा ये आप देखें सीक्वेंस से काम हुआ है, बहुत ही फाइन वर्क है इसमें और पूरी ऑर्गेन्जा की पूरी साड़ी में इसी तरह का वर्क है। और इसका जो ब्लाउज़ है वो है ये मेहरून कलर का, डार्क कलर में कंट्रास्ट में, तो इसको मैंने कुछ बनवाया था ऐसे, ये अंगरखा स्टाइल से मैंने इसे बनाया था, इस ब्लाउज ये वाला डिज़ाइन बनवाया था, इसके साथ ये साइड में इधर ये लगवाई थी और नेट की इसके साथ स्लीव्स बनवाई हैं ये वाली। और ये मैंने ली थी लक्ष्मी नगर मार्केट से, तो करवा चौथ के दिन मैंने मॉर्निंग में सूट पहना था, सबको बहुत अच्छा लगा था, पिंक कलर का, रानी कलर का एक्चुअली ये सूट है, पिंक नहीं है, रानी कलर है, डार्क पिंक कलर है ये, और ये सिल्क का सूट है, और ये इसमें जो स्लीव्स हैं ये रेडीमेड मतलब सूट में सेमी स्टिच था और ये ऐसे बने हुई आई थी, ये डिज़ाइन था इसमें। और इसमें यहाँ पर आप देखिए दबके का वर्क है, जरी जो होता है जरी वाला वर्क है यहाँ पर, सिंपल सूट है पूरा, फुल लेंथ में सूट है, और इसके साथ प्लेन, इसकी बॉटम प्लेन थी तो हमने इसमें ये वाला डिज़ाइन बनवाया है इसके पहुँचे पर दुपट्टे से मैचिंग, तो दुपट्टा भी सेम यही कलर का है, इसमें से हमने ये वाला डिज़ाइन बनवाया, तो सूट थोड़ा सिंपल था, उसका लुक थोड़ा सा चेंज करने के लिए इसके साथ मैंने बनवाई है ये वाली बेल्ट। और इसको ये आप चाहे तो विदाउट बेल्ट भी से पहन सकते हैं, थोड़ा सा लुक अगर हैवी करना है, किसी पार्टी में जाना है, कोई फेस्टिवल है, तो आप इसको ये वाला लुक दे सकते हैं बेल्ट लगाकर, अदरवाइज़ आप सिंपल भी पहनेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके साथ हमने ये बेल्ट लगवाई थी और इसका दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है मल्टी कलर का, सिल्क का दुपट्टा है, पिंक ऑरेंज और गोल्डन कलर का, और ये देखिए इसके दुपट्टे पर ये वर्क है। तो ये वाला सूट हमने लिया था लाजपत नगर से, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको ये लिबास कलेक्शन पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, आप चाहें तो लाजपत नगर मार्केट से जाकर ले सकते हैं या किसी भी और पेज से भी ले सकते हैं, आपको मोस्टली सब जगह ईजिली मिल जाएंगे ये वाले सूट। तो कैसा लगा आपको ये सूट बताना, और बात करते हैं ये वाले सूट की, सबको बहुत अच्छे लगे थे, ये हमने पहने थे मेहंदी के टाइम पे, जब मेहंदी लगाई थी करवा चौथ पर तब हमने ये रेड सूट पहने थे। तो देखिए आपका इसको डिज़ाइन दिखाती हूँ, ये वाला इसमें डिज़ाइन है, पास से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए 3D वाला डिज़ाइन है और ये इसका वर्क कुंदन का वर्क है, ठीक है, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा पीस है, ये सबको बहुत अच्छा लगा था। तो इसको हमने इधर वर्क था, साइड में से प्लेन था तो हमने इसमें साइड पे ये वाली लेस लगवा ली, और स्लीव्स पर भी हमने ये देख सकते हैं ये वाली लेस लगवाई है गोटे वाली, इससे लुक इसका जो है ये वाली लेस है थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक आएगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जैसे आप दुपट्टे होते हैं चुनरियाँ होती हैं उनमें यूज़ होती है ये वाली लेस। और इसकी सलवार की अगर बात की जाए तो इसकी ये वाली सलवार है, ये धोती स्टाइल सलवार है बट ये इसमें धोती स्टाइल में बनी हुई है, और इसके पहुँचे पर भी सेम जो है ये वाली लेस लगाई हुई है ताकि इसका लुक थोड़ा सा हैवी हो जाए, क्योंकि प्लेन था बाकी इसमें कुछ था नहीं, इसमें सिर्फ ऊपर उस पर आगे घेरे पर फ्रंट था तो थोड़ा प्लेन लुक आ रहा था, तो इसके साथ में हमने लेस लगा ली, इसके स्लीव्स पे गोटा लगा दिया, तो इससे थोड़ा सा इसका लुक जो हैवी हो गया, ठीक है। तो चीज़ें कोई भी सिंपल सूट होता है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें करके हम जो है उनको थोड़ा सा सुंदर फैंसी और हाईलाइट कर सकते हैं। इसके साथ है ये वाला ग्रीन कलर का दुपट्टा, कंट्रास्ट में है, रेड एंड ग्रीन का कंट्रास्ट सबसे अच्छा होता है, तो ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, इजीली इसे कैरी कर सकते हैं। जब पहली बार हम लेते हैं ये वाले दुपट्टे थोड़े से फ्लफ़ी होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन एक बार वॉश के बाद ये
बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। आप देखें, आप बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, तो इजीली आप इसे ले सकते हैं। और ये जो रेड सूट है जो हमने मेहंदी भी पहना था, ये हमने लिया था लिवास कलेक्शन से, तो आप भी अगर आपको चाहे तो आप अपने लिए ले सकते हैं। और जहाँ पर मैंने ये सूट पहना उस वीडियो में उनकी आईडी मेंशन है, इंस्टा पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सूट ईजिली मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं ये वाले सूट की जो करवा चौथ के रात के टाइम हमने पहना था, जब चांद व्रत खोलने के टाइम पर मैंने पहना था। तो ये है मैरून कलर का सूट, क्योंकि मैं हर बार जो है करवा चौथ में तीन ही ड्रेस चेंज करती हूँ, मॉर्निंग में एक कहानी सुनने के टाइम में, रात को एक अलग। क्योंकि वैसे सब लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है कि सेम जिस ड्रेस से कहानी सुनते हैं उसी से व्रत खोलते हैं। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हैवी ड्रेस होती है, फिर उसमें परेशान हो जाते हैं, खाना बनाना, थोड़ा बहुत काम करना है, कुछ भी करना है, तो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैं चेंज कर लेती हूँ। लेकिन उसके बाद कलर वही रखते हैं कि रेड, मेहरून, हैवी सा कोई ड्रेस हो कुछ ऐसा, बट कंफर्टेबल भी हो। तो मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं सूट, तो इसलिए मैंने सूट ही पहना। तो ये है वो मेहरून कलर का सूट। सूट जो है सेमी स्टिच था, इसमें ये स्लीव्स का डिज़ाइन देख सकते हैं आप, ये सूट का डिज़ाइन बना हुआ था। सूट में पूरे में एम्ब्रॉयडरी है गोल्डन कलर की, जरी की है, ये सिल्क का सूट है ये। और इसके साथ है दुपट्टा सेम कलर का, उस पर गोटा वर्क है दुपट्टे के ऊपर। ये देखिए फुल लेंथ का ये दुपट्टा है मैरून कलर का ही सेम कलर में। और इसके साथ हमें मिलता है एक शरारा। शरारा जो है इसका रेडीमेड था, तो मैंने खाली इसकी कुर्ती स्टिच कराई थी। और देखिए शरारा का फ्लेयर देखिए आप, कितना अच्छा फ्लेयर है इसके शरारा में, बहुत ही प्यारा सूट है। और ये भी मैंने लिया था लिवास कलेक्शन से। अगर आपको अपने लिए चाहिए तो आप जाकर लिवास कलेक्शन में, जहाँ पर मैंने पहना है, मैंने उनकी आईडी इंस्टा पे मेंशन की हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, और कैसे लगे आपको मेरे सारे ड्रेसेस, और किसी सूट के बारे में आपको क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा पर, यूट्यूब पर भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कौन से सूट के बारे में आपको जानना है, तो मैं आपको पूरे सूट की डिटेल दे दूंगी। और मोस्टली क्या होता है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं बहुत सारे सूट्स के बारे में आपको बताती हूँ, लेकिन होता क्या है, जो सूट मैंने पहना होता है ना, फिर लोग मुझे सब पूछते हैं कि जो सूट आपने वीडियो में पहना हुआ है उसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये सूट भी मैंने लिया है लिवास कलेक्शन से, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्रीन कलर का सूट है, पर्पल कलर की इसकी स्लीव्स है, और पर्पल कलर का ही इसका दुपट्टा है। तो ये भी मैंने लिवास कलेक्शन से लिया था, अगर आपको चाहिए तो आप उनको जाके DM कर सकते हैं, तो ईजिली आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।